रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, काफी बच्चे ही पूछते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, चाहे वो एक्सवाइजेड कहीं से पढ़ाई करिए, मुझसे करी है, ऑनलाइन क्लास करिए, ऑफलाइन क्लास करिए, व्हाटसोएवर, सबसे पहले उन नोट्स को उठाइए, अपने चैप्टर को जो है पूरा का पूरा रिवाइज करिए, उसके बाद आईसीए के क्वेश्चन उस चैप्टर के एक बार देख लीजिए। और उसके बाद जो है, अगर आपने मेरा कोर्स दे रखा है तो उसके अंदर आप देखेंगे हर चैप्टर के नीचे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लगे हुए हैं, वो आपने जरूर देने, 7 डेज में आपको चेक होकर मिल जाते हैं। देखिए सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, टेस्ट पेपर आप कहीं पे भी दें, हमारे दें, कहीं पे भी दें, एक चीज ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको टेस्ट पेपर चेक होकर मिलता है ना, तो आपको उसकी करेक्शन कॉपी जरूर बनानी है, दिस इज मस्ट फॉर यू। करेक्शन कॉपी बनाए बिना बात नहीं बनने वाली। करेक्शन कॉपी क्या है कि मैंने एक टेस्ट दिया, मेरे 20 में से 15 नंबर आए, तो मेरे 5 नंबर जो कटे, जिन क्वेश्चंस में कटे, वो मैं दोबारा उसमें सॉल्व करूं, जो मेरी गलतियां हुई, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मेरे को आगे से बेहतर ध्यान रखने, वो उसमें लिखूं। ये करेक्शन कॉपी आप स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं और आपके लिए यूजफुल होती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। कैसे कि आपको डे बिफोर एग्जाम आप जब अपनी करेक्शन कॉपी पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ पता लग जाता है, आपने किस क्वेश्चंस में क्या गलतियां की थी, आप टेस्ट में जनरली क्या गलतियां करते थे जो आपको वहां पर कल नहीं करके आनी है। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने एग्जाम के अंदर एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने आप को। और मैं आपको बोलूं, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हैं या आप नहीं कर पाएंगे, अंदर से आवाज आएगी यार एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, नीड नॉट टू बी वरीड। ये मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं, मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, एक इंटरनल फीलिंग है जो ऑटोमेटिकली आएगी वंस यू आर डूइंग द थिंग्स लाइक दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बिलीव मी, डूइंग 100% कोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले कोर्स पूरा कर लें, ये बेवकूफ़ी है। अगर 60% से ऊपर कोर्स आपका हो गया, आप पास होने की कैटेगरी में आ जाते हैं, आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका रिवीजन पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और टेस्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जाम में आप 80% कोर्स करके चाहिए ऑल टुगेदर, पास होने का टंटा नहीं आएगा। आप 100% कोर्स करने के चक्कर में अपनी नंबर ऑफ रिविजन्स कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं, और टेस्ट पेपर्स ना देने की वजह से पूरा का पूरा सर्कल घूम जाता है, रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। मैं सिर्फ सभी बच्चों को बार 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 एक चीज कहना चाह रहा हूं, जिनका सिलेबस अभी 100% नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि मुझे 100% करना है। स्टॉप लगा लो 80-85% सिलेबस के ऊपर, और अब रिवीजन के ऊपर जो है समय आ गया है कि बच्चे आप लोग रिवीजन करो। और रिवीजन में एक चीज मैं आपको बता दूं, मोस्टली मैं एक चीज देखता हूं, चाहे वो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या एक्स वाई जेड कुछ भी, रिवीजन बच्चे समझते हैं कि वीडियो दोबारा देख लें, या मतलब देर इज अ डिफरेंट वे कि लाइव क्लासेस हो जाएं उसकी, ये बच्चों का एक मेरे को लगता है नॉनसेंस बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिवीजन? इट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है? सो फॉर दैट यू नीड द सेल्फ स्टडी, नो टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू, नो मीन्स नो, कोई आपकी हेल्प उसके अंदर नहीं कर सकता, आपको खुद बैठना। देखिए वो मोमेंट होता है जिसमें आप अपने आप को समय देंगे तभी आप सीख पाएंगे। अब बच्चे एकदम सरेंडर कर देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द गुड वे टू डील विद इट। आप समझिए, आपको अपने नोट्स खोलने, खुद पढ़ना है, दिस इज द रिवीजन मींस द सेल्फ स्टडी यार। इट डजंट मींस दैट एवरी टाइम यू हैव टू कम ऑन द यूट्यूब और एनी अदर मोड और यू हैव टू वॉच द वीडियोज, इट्स नॉट लाइक दैट। रिवीजन मींस द सेल्फ स्टडी, यू हैव टू रिवाइज द कंटेंट दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ, दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस इन रिवीजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if there is a requirement of some main content, we have already provided you perfect revision book, wo aap acche se ghot ke pee lo। main ye nahi keh raha pura paper usme se aayega, lekin wo pages mein wo minimum content hai na jo aapki madad karta hai 200 number lane mein। main ye nahi keh raha usko padh ke all india rank aa jate, main ye nahi keh raha usse bacche padh ke hi bacche pass hote hain, lekin yes, once you read that book 25 to 30 times or 40 times, ek bar aapki uski reading ho jati hai, main sare points aapke dimag mein baith jate hain, and that help you a lot in gaining overall confidence in the exam। Okay।